बोकारो में अवैध बालू की हो रही तस्करी पर रविवार को गोमिया सीओ ने कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे दो ट्रकों को जब्त किया है। गोमिया से जब्त दोनों ट्रैक्टरों को खथारा ओपी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसकी जानकारी बोकारो जिला खनन पदाधिकारी को दी गई है। वहीं संदर्भ में गोमियो अंचलाधिकारी संदीप कुमार टोपनो ने बताया कि सरोचिया घाट से अवैध बालू उठाव जारी है। इसी मामले में गुप्त सूचना मिली थी कि कथारा स्थित छिलका पुल के आगे कार्रवाई करके ट्रैक्टर पकड़ा गया है। इसके तहत ही उन्होंने यह भी बताया कि एनजीटी के तहत बालू उठाव पर रोक लगाई गई है, उसके बाद भी अवैध बालू की तस्करी की गुप्त सूचना मिल रही थी। इस मामले पर कार्रवाई की गई है, आगे भी उक्त कार्रवाई जारी रहेगी। थाना प्रभारी ने कहा कि गोमिया अंचलाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी की गई है और अवैध बालू को भी जब्त कर लिया गया है।